नमस्कार दोस्तों, नॉलेज हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आज के वीडियो में हम लोग पेंट्स के बारे में जानने वाले हैं। कौन कौन से टाइप्स के पेंट्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, पेंट्स के बारे में टोटल जो डिटेल टेक्निकल जानकारी है वो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। टाइप्स ऑफ पेंट, अभी कौन कौन से टाइप के पेंट हैं। देखिए, हाँ, दो टाइप के मेजर पेंट्स हैं। पहला है वाटर बेस्ड पेंट, जो पानी के ऊपर रहता है। दूसरा है ऑयल बेस्ड, ऑयल के बेस्ड पेंट। अभी प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल पेंट, पेंट जो आइडियल पेंट है, मतलब अच्छा पेंट है, उसका प्रॉपर्टीज क्या क्या है। इट शुड बी पॉसिबल टू अप्लाई, मतलब वो आसान तरीके से दीवार को लगाने के लिए आना चाहिए और फ्रीली आना चाहिए। दूसरा है वो एक अच्छा, मतलब एक रीजनेबल टाइम में वो ड्राई, मतलब सूखना भी चाहिए। तीसरा है ये एक सूखने के बाद एक हार्ड और ड्यूरेबल सरफेस तैयार करना चाहिए, मतलब पेंटिंग होने के बाद, सूखने के बाद एक हार्ड सरफेस तैयार करना चाहिए। और ये मेनली हेल्थ, जो पेंट हम लगाते हैं वो लगाने वाले को भी कुछ हार्मफुल नहीं होना चाहिए, उससे उसके स्मेल से या फिर उसके कुछ अलग प्रॉपर्टी से उसको लगाने वाले को, पेंटर को नुकसान नहीं होना चाहिए। और मेनली ये जो पेंट लगाते हैं वो अपना जो वातावरण एटमॉस्फेयर है उससे उसको कुछ प्रभाव नहीं होना चाहिए, उससे कुछ प्रभावित नहीं होना चाहिए। और दूसरा प्रॉपर्टी, अगला प्रॉपर्टी क्या है, इट शुड जस्ट अट्रैक्टिव एंड प्लीजिंग, मतलब पेंट लगाने के बाद हमको ये आकर्षित दिखना चाहिए और अपने को देखने के बाद अच्छा भी लगना चाहिए कि वो पेंट अट्रैक्टिव है, अच्छा दिखना भी चाहिए। उसके बाद एक वो जो पेंट रहता है वो एक थीम, मतलब एक पतला फिल्म तैयार करता है, जो अलग से मतलब दीवार पर अप्लाई करने के बाद एक पतला टाइप का एक फिल्म यूनिफॉर्म लेयर तैयार करता है, वो क्रैक नहीं होना चाहिए। उसमें फैलने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए, जैसे हम पेंट लगाते दीवार पे वो स्प्रेड होता है, फैलता जाता है, वो अच्छा फैलने की क्षमता होनी चाहिए और वो इकोनॉमिकली सस्ता भी चाहिए, मतलब कॉस्ट के हिसाब से सस्ता भी चाहिए। अभी हम देखेंगे अलग टाइप्स का पेंट, जो उनके हिसाब से अलग अलग मेन बेस के हिसाब से देख लिया तो कौन सा है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स के हिसाब से अलग अलग पेंट्स है, उनका यूज हम कैसे करते वो देखेंगे। ऑयल पेंट जनरली तीन कोट में अप्लाई करते हैं, प्राइमर रहता है, बाद में अंडर कोट रहता है, बाद में लास्ट फिनिशिंग कोट रहता है। ये मेनली डैम्पनेस जो रहता है तो डैम्पनेस निकालने के लिए मेनली प्राइमर को, कैसा रहता है डैम्पनेस अगर रहेगा दीवार में तो प्राइमर यूज करते समय उसका एडवर्स इफेक्ट होता है, तो वो प्राइमर एडवर्सली इफेक्ट द लाइफ ऑफ ऑयल पेंट। तो दिस पेंट इज चीप एंड इजी टू पेंट, मतलब डैम्पनेस में करने के लिए हम प्राइमर लगाते हैं तो ऑयल पेंट का एडवर्स इफेक्ट वो नष्ट कर देते हैं। उसके बाद इनेमल पेंट है। इनेमल पेंट कैसा है, इसमें व्हाइट लीड रहता है, ऑयल रहता है, पेट्रोलियम स्पिरिट रहता है और रिजिनस मेटल भी रहता है। ये सरफेस जो रहता है वो जिस एसिड, अल्कली और वाटर को रिजिस्ट करता है, ये बहुत ही डिजायरेबल है। और कोट टिटेनियम का कोट, टिटेनियम व्हाइट का कोट अप्लाई करने के लिए यूज करना पड़ता है। इसमें अलग टाइप का, मतलब जो कोट रहता है इनेमल को अप्लाई करना पड़ता है। ये एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों के लिए है, इनेमल पेंट एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों के लिए है। मेनली इसमें क्या क्या है, वाइट लीड, ऑयल, पेट्रोलियम स्पिरिट और रेजिनस मटेरियल। इसका सरफेस ऐसा है वो एसिड, अल्कली और वाटर को रेजिस्ट करता है और ये डिजायरेबल किसके लिए है, अप्लाई करने के लिए कोट टिटेनियम व्हाइट कोट को अप्लाई करने के लिए डिजायरेबल है। बिफोर कोट इनेमल अप्लाई करने से पहले वो
कौन सा टाइटेनियम व्हाइट कोट अप्लाई करना जरूरी है। इमल्शन पे इसमें बाइंडिंग मटेरियल है, इसमें पॉलीविनाइल एक्रेलिक सिंथेटिक रेजिन ये 1.5 से 2 घंटे में सूख जाता है और अप्लाई करने के लिए भी इजी है। ये बहुत ही ड्यूरेबल है और पानी से भी साफ किया जा सकता है। प्लास्टरिंग सरफेस के लिए फर्स्ट कोट सीमेंट पेंट अप्लाई किया जाता है और उसके बाद इमल्शन पेंट अप्लाई किया जाता है। इमल्शन पेंट को साउंड सरफेस जरूरी है। सीमेंट पेंट, सीमेंट ये मेनली पाउडर फॉर्म में यूज करते हैं। इसमें व्हाइट सीमेंट पिगमेंट एंड अदर एडिटिव यूज होते हैं। ये ड्यूरेबल है, एक्सलेंट डेकोरेटिव अपीयरेंस है। ये मेनली रफ सरफेस में अप्लाई करते हैं और दो कोट में अप्लाई करते हैं। पहला कोट है ऑन वेट सरफेस फ्री फ्रॉम एक्सेस वाटर और दूसरा कोट है 24 घंटे के बाद अप्लाई करते हैं। मेनली इट्स गुड अपीयरेंस, मतलब मेनली क्या है, टू कोट्स में यूज करते हैं। फर्स्ट कोट ऑन वेट सरफेस और फ्री फ्रॉम एक्सेस वाटर, वेट सरफेस में अप्लाई करना लेकिन पानी ज्यादा नहीं होना और उसको 24 घंटा ड्राई होने देना है और उसके बाद सेकंड क्लॉस अप्लाई करना। बिटुमिनस पेंट ये मेनली मैन्युफैक्चर एस्पार्ट और वेजिटेबल बिटुमिन से यूज करते हैं, ऑयल और पेट्रोलियम करके। ये ब्लैक इन कलर, ये मेनली आयरन वर्क के लिए एंड अंडर वाटर वर्क के लिए यूज करते हैं। सिंथेटिक रबर पेंट, ये पेंट रेजिन से तैयार कर जाते हैं, वो जल्दी सूख जाता है और मेनली वेदर से अफेक्ट होता है और सनलाइट से भी अफेक्ट होता है। ये केमिकल अटैक भी रेजिस्ट कर सकता है। ये पेंट जनरली फ्रेश कंक्रीट को भी यूज अप्लाई कर सकते हैं। इसका कॉस्ट मॉडरेट है और इजीली अप्लाई कर सकते हैं। एल्यूमिनियम पेंट, ये फाइन एल्यूमिनियम मेनली फाइनली ग्राउंड एल्यूमिनियम इसका यूज करते हैं। इसमें ऑयल वार्निश, ये मेनली विजिबल और डार्कनेस अंधेरे में भी दिखता है, विजिबल इन डार्कनेस ऑल्सो। और इसका मेनली सरफेस ऑफ आयरन एंड स्टील आर कोटेड वेल विद इट्स पेंट। मेनली सरफेस आयर लोहा का और स्टील, जो आयरन और स्टील का जो सरफेस है वो उसे प्रोटेक्ट करते हैं विद दिस पेंट। इज वाइडली यूज्ड इन पेंटिंग गैस टैंक्स वाटर पाइप्स और बिल्डिंग्स। एंटी करोसिव, ये मेनली इसेंशियल ऑफ ऑयल स्ट्रॉन्ग डायर लेड जिंक क्रोम फाइनरी ग्राउंड एंड इट इज चीप रेजिस्ट करोजन ब्लैक इन कलर। एंटी करोसिव पेंट, पेंटिंग टोटली हम स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट कीजिए। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।